को जय शु। कलीसिया की खबर में आपका स्वागत है। 15 नवंबर रविवार को वैटिकन शहर के सेंट पीटर स्क्वायर के सामने संत पापा ने एंजेलस एड्रेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, गरीबों की मदद हेतु अपने हाथ बढ़ाइए, वही ईसा मसीह है। हमें सभी को अपने भाइयों और बहनों के रूप में देखना चाहिए, उन्हें दुश्मन नहीं समझना चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। कोरोना महामारी के इस गंभीर स्थिति में संत पापा फ्रांसिस का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। संत पापा ये कहते हैं, गरीबों की सेवा के लिए हाथ बढ़ाना ही ईसा मसीह है। गरीबों की सेवा के लिए हाथ बढ़ाना ही ईसा मसीह है। कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे लोग आर्थिक संकट में गिर चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने लोगों को खो चुके हैं। इसी कारण बहुत सारे लोग मानसिक तनाव में गिर चुके हैं। इस स्थिति में संत पापा की यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना ही ईसा मसीह है। ईसाई धर्म के शुरुआत से ही इस धर्म का पहचान दूसरों की सेवा है, गरीबों की सेवा है, लोगों की सेवा है। क्योंकि सुसमाचार में हम देखते हैं, बाइबल में हम ये पढ़ते हैं, लोगों के दुख संकट के समय, बीमारी के समय प्रभु यीशु उनके साथ था। प्रभु यीशु उनको छोड़ के नहीं जाते। इसलिए संत पापा क्रिस्तीय विश्वासियों को, क्रिस्तीय भक्तों को और लोगों को ये याद दिलाते हैं कि इस दुख संकट के समय, बीमारी के समय हम लोगों को छोड़ के नहीं भागें बल्कि दूसरों की और गरीबों की सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। वैटिकन शहर में 18 नवंबर को संत पापा फ्रांसिस ने सभी विश्वासियों का यह कहते हुए अभिवादन किया कि माता मरियम प्रार्थना की नारी है। एक साधारण लड़की जिसकी मंगनी दाऊद के घराने में हुई थी, दुनिया उसे नहीं जानती थी, फिर भी वह प्रार्थनामय रही। इससे यह तात्पर्य है कि हमें माता मरियम, जो हम सबकी माँ हैं, उन्हें देखते हुए अपने जीवन में प्रार्थना का महत्व बढ़ाना चाहिए। संत पापा मानते हैं कि प्रार्थना शांति का स्रोत है। प्रार्थना से हमारे मन की अशांति दूर हो जाती है, इसलिए हमें दैनिक प्रार्थना को हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान देना चाहिए। प्रार्थना का मतलब है प्रभु ईश्वर के साथ रहना। जब हम माता मरियम की जिंदगी की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि माता मरियम सदा प्रार्थना में रहे, क्योंकि माता मरियम हर पल प्रभु ईश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ रहे, उनके दुख में भी, उनके संकट में भी। यानी ये कह सकते हैं कि गर्भ से कब्र तक माता मरियम सदा प्रार्थना में लीन हो गई थी, ईश्वर के लिए जी रहे थे, ईश्वर के साथ रहे थे। हर पल हम उनकी जिंदगी में प्रभु ईश्वर के साथ माता मरियम को देखते हैं। तो प्रार्थना मतलब सदा सर्वदा ईश्वर के साथ रहना। ऐसे देखा जाए तो माता मरियम हमेशा प्रार्थना में लीन रहती थी। हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे प्रभु ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए माता मरियम से प्रार्थना करें। हम भी सदा प्रार्थना में रहें, ईश्वर के साथ रहें। कलीसिया की खबर के आज के भाग में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे।